जय हिंद दोस्तों, हम धावक अर्जुन यादव। आज आप लोग को बता दें कि जो 33वां जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो होने वाला है वो अभी पर बिहार में हो रहा है, बिहार में वो पटना में। तो हम लोग अभी पटना कंकड़बाग कम्प्लेक्स पाटलिपुत्रा में हम लोग अभी मौजूद है। और हम लोग के जैसे 8 तारीख तक का कैंप था, यानी 9 तारीख हो गया, 8 तारीख का हम लोग का कैंप ख़त्म हो गया। अब 10 से 12 तक ये गेम चलेगा और उसके बाद आप लोग के जितना दौड़ से रिलेटेड कौन स्टेट के कितना समय में बच्चा मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको सारा अपडेट देकर देते रहेंगे। और चैनल का आप लोग बने रहिए और प्यार दुलार देते रहिए अर्जुन रनिंग ब्लॉग का। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा तब हम भी मोटिवेट होते हैं आप लोग के कि हाँ मेरा के भी चाहने वाला है, मेरा कमेंट लिखते हैं तो हम भी मोटिवेट हो। इसीलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे की जानकारी जहाँ भी जाऊँगा हर एक चीज़ आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखाओ ग्राउंड, देखिए यही ग्राउंड है। अभी तैयारी चल रहा है, कल सब स्टेट के बच्चे यहाँ पर आए हैं और बहुत धूमधाम से तैयारी चल रहा है। देखिए सब अपना वार्म अप कर रहे हैं। बस जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 पटना में होने जा रहा है, देखिए उसी की तैयारी यहाँ पर सब चल रहा है। जो कल से गेम स्टार्ट है, सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पर आए हैं। देखिए बगल में एक झंडा लगाया गया है, ये जो छता टाइप का रूम टाइप का बनाया गया है ये ऑफिशियल लोग के लिए है, जो मतलब सर जो लोग कार्यभार संभालते हैं उन लोग के लिए। देखिए अभी रात भर तैयारी चल रही है, कल से स्टार्टिंग है तो रात भर तैयारी चल रही है। हर एक स्टेट के बच्चे आए हैं, सबको यहाँ पर वार्म अप कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड, देखिए उधर भी ऑफिशियल के अथी लगाया गया है। देखिए अभी काम चल रहा है ग्राउंड में, सजाया जा रहा है ग्राउंड को।